सपा जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है और इस बीच सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मैनपुरी स्थित भोगांव में प्रचार के दौरान ही ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सब दांव पर लगा दीजिए, जो एजेंट बने वो डिब्बे और ईवीएम पर नजर रखे, आप सभी साथ साथ उसे जमा कराने जाएं, बेईमानी हो जाती है और जमा कराते वक्त बदल दी जाती है, इसलिए अपने मशीन का फोटो खींच लीजिए, उसके बाद मशीन सील हो जाती है और पीछे पीछे जाएं और जमा कराएं। इसके आगे रामगोपाल यादव ये कहते हैं कि आपको असली बात बता रहा हूं कि अगर ये किया होता तो आज हमारी सरकार राज्य में होती। मैनपुरी के चुनाव पर बीजेपी का भविष्य निर्भर है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र है, नेताजी के निधन की वजह से ये चुनाव हो रहा है, यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि सोमवार को मैनपुरी उपचुनाव में पहली बार पूरा परिवार एक साथ नजर आया। प्रचार अभियान के दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप सिंह यादव एक मंच पर दिखाई दिए। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे जाएंगे। अब ये जनता के हाथ में है कि नतीजे किस तरफ और किस तरीके के आएंगे। तमाम और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल द आईटीपी न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।